नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेड सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार से आप सभी दोस्त जानते हो कि एक कमेंट आया था पशुधन साहित्य भर्ती से रिगार्डिंग था, तो ऐसा कमेंट था कि उस पर एक या दो मिनट का वीडियो बनाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हर एक कैंडिडेट के दिमाग में अगर आता है तो वो कहीं ना कहीं हर प्रत्येक कैंडिडेट के दिमाग में होता है। इसलिए मैं वीडियो बना देता हूँ ताकि हर एक कमेंट का जो जवाब देना है वो संभव नहीं है। थोड़ी आवाज़ आ रही है बाहर से, तो मैं आप सभी दोस्तों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि यही टाइम मेरे को मिला और उधर डीजे बज रहा है। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर, क्या जो LSC की भर्ती है उसमें जो मिनिमम मार्क्स है, मिनिमम मार्क्स से 40% है, क्या प्रत्येक पार्ट के अंदर 40-40% लेके आना है या फिर कॉमनली 40% लेके आए, यानी GK का पार्ट है उसके अंदर 40% लाना है या जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसके अंदर भी 40% लाना है, या फिर दोनों को मिला के 40% आना जरूरी है। तो तमाम कैंडिडेटों का जो क्वेश्चंस है, उन तमाम कैंडिडेटों के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे एक ही शब्द में क्लियर करना चाहूँगा कि आपके जैसे तैसे वैसे कैसे भी करके 40% मिनिमम मार्क्स आने चाहिए। 30% आप लाते हो GK पार्ट में और 10% लेके आते हो सब्जेक्टिव पार्ट में, तो आपके 40% टोटल मिला के, कुल मिला के 40% आपके जो नंबर है वो होने जरूरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ गए हो। इससे अच्छे तरीके से मैं कैसे समझाऊँ आप सभी दोस्त समझदार हो इस चीज़ के लिए कि आपके कुल मिला के 40% आपके आने जरूरी है, ना कि किसी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपका अपना चैनल है, और वीडियो का जो लिंक है वो तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी ये अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।